कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, मतलब एक इमेज का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.20 meter फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, लेंस कौन सा है कॉनकेव, और फोकल लेंथ कितना है इसका 0.30 meter, ठीक है। एंड स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, मतलब अब मैं क्वेश्चन को दोबारा से रीड करता हूं। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, मतलब आपको v को फाइंड करना है। फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 12 mm एट अ डिस्टेंस, और जो ऑब्जेक्ट है वो इतने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है कितने 0.20 meter फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, लेंस कौन सा है कॉनकेव लेंस से पड़ा हुआ है इतनी दूर, ऑफ फोकल लेंथ 0.30 meter। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन ही समझ आना चाहिए, बाकी तो सब कुछ कर लेगा तुम, ठीक है। F और U आपको गिवन है, इससे आप लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/F = 1/V - 1/U, ठीक है। यहाँ पर V क्या है, V तो हमें नहीं पता, U पता है। अब देखो कौन सा लेंस था ये, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस में U नेगेटिव होता है, F नेगेटिव होता है, ठीक है। सो यहाँ पर रख दो F की जगह 0.-30। अच्छा एक चीज और, इन सभी को ना एक सिंगल यूनिट में कर लो, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 12 mm को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। 0.20 meter को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड मार दो, ये आ जाएगा माइनस का 20 centimeter, और इसी तरीके से आ जाएगा माइनस का 30 centimeter। इसे डिवाइड करोगे ना 100 से, तो 100 से इसका पॉइंट ही हट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 30, और कैसा है नेगेटिव का, तो ये आ गया। अब वैल्यूज रखो, अब आसान होगा। देखो फोकल लेंथ क्या था, माइनस का 30, तो मैं यहां रखता हूं माइनस का 30। वी क्या है आपका, वी तो हमें फाइंड करना है। यू क्या है आपका, यू है आपका माइनस का 20, तो यहां पर रखता हूं मैं, देखो माइनस का 20, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कर दो इसको। अब ये प्लस का 1/20 इधर उठा के ला रहा हूं मैं, ठीक है, चलो देखो कंफ्यूज मत हो जाए, चलो आगे करते हैं। 1/30 कैसा नेगेटिव का, माइनस का 1/20 = 1/V, ठीक है। यहां से आप V फाइंड कर लोगे, सिंपली आपका एलसीएम लेना है, 30 और 20 का एलसीएम मिलेगा 60, और 3 2 6 तो -2 2 3 जा, ठीक है, =1/V। सो यहां से 1/V का वैल्यू क्या आ गया, -2 + 3 कितना हो गया माइनस का 5/60। इसकी कटिंग कर दोगे 5 1 जा और 5 1 जा 5 2 जा 1/12 कैसा नेगेटिव का। So, यहां से v का वैल्यू आ गया माइनस का 12। सो v आपका कैसा आया माइनस का, तो इमेज आपकी कैसी है वर्चुअल। तो हमें इमेज का देखो नेचर तो पता चल गया कैसा है वर्चुअल, अब हम क्या फाइंड करना है हमें साइज ऑफ इमेज, इसके लिए भी मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। सो मैग्निफिकेशन फाइंड हम कैसे करेंगे, देखो v हमारे पास आ गया क्या रहा, ये रहा, और u हमारे पास है, तो m का फॉर्मूला होता है v/u, यहां पर v कितना है माइनस का 12, u कितना है माइनस का 20। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे सॉल्व करना, चलो इसे सॉल्व नियम करते, ठीक है, माइनस से माइनस काट दो पहले, तो ये क्या आ गया एम आपका 12/20 आ गया, ठीक है। अब एम का फॉर्मूला क्या था, HI/HO, दूसरा फॉर्मूला HI/HO, ये अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो यार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। HO क्या है, सेंटीमीटर वाला ही रखना, में क्या है 1.2 सेंटीमीटर। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, HI = 12 × 1.2/20, इस पॉइंट को हटाओ नीचे जीरो लगाओ, HI = 12 × 144/200, इसको आप और सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, ये री, वी आपका ये रहा, आपका क्वेश्चन ये रहा।